हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग जो चैप्टर चालू किए हैं वो है एक्सरसाइज 8.1। जो हम लोग बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 वीडियो एक्सरसाइज 8.2 का बात करने वाला, जिसमें क्वेश्चन नंबर आ गया टाइप टू में। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर आ गया 14 में। और 14, यदि आप लोग 14 के पहले वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिए और उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ लीजिए, ताकि जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे वो तो आप लोग की बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो प्लीज़ आप लोग जाकर उससे पहले देखें, समझें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। तो चलिए, हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं अपने पॉइंट पे कि वीडियो में थी सॉरी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए, हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए, हम लोग पहले ही बताए हैं जो कि क्वेश्चन लिया गया है वो टाइप 4 पे लिया है। टाइप 4 क्या कह रहा है इसको ज़रा समझ लेते हैं। टाइप 4 किसके लिए होता है? तो टाइप 4 जो होता है वो किस लिए होता है? ये जो टाइप 4 होता है वो क्वेश्चन को थोड़ा हिंट्स देने के लिए होता है कि इसके बाद जो क्वेश्चन जो आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो पहले देख लेते हैं उसको किस प्रकार से आएंगे, उसके बाद हम उसी का बदल इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या है, किसी संपूर्ण त्रिभुज में एक भुजा और एक न्यून कोण ज्ञात रहने पर, इसमें क्या बढ़ा है कि किसी कोई समकोण त्रिभुज क्या बढ़ा है कि कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें एक भुजा दिएगा और एक कोण देगा, और उसी के बदौलत क्या कर रहा है ज्ञात रहने पर दूसरी भुजा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जब एक भुजा और एक न्यून कोण जब ज्ञात रहेगा तो उसी के बदौलत हमें क्या करना है, दूसरी भुजा भी ज्ञात करना है, और उसी पे जो हमारा क्वेश्चन है उसी बेस पर आधारित है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है हम लोग का। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण जो होगा वो एसी होगा। कर्ण एसी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, और जो ए होगा एंगल वो 60 डिग्री होगा, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। तो देखिए, उसे हम इसके बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन के, मतलब क्वेश्चन के इसके नेक्स्ट स्टेप पे, तो हम लोग इसके पहले देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से के लिए सबसे पहले तब देखिए इस क्वेश्चन को हमें हल करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग ने एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से ले लिया है और इसमें बात करेंगे कि कौन का मान कहाँ रखा जाएगा। तो जो बोला है ये जो क्या है वो न्यून कोण है, या फिर क्या है ए जो है वो न्यून कोण है, 60 डिग्री है। क्या रख देंगे, ए ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। देखिए ए सी जो है कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, सॉरी अगर ये कर्ण होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। और जब इसके बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके सामने भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएंगी। तो अब देखिए इसमें जो दिया है, क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर, एसी का मान 10 दिया है, यानी कि कर्ण का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तब हमें अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो हो गया एसी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो पहले एंगल 60 डिग्री का अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एंगल 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण जो दिया है, जो दिया रहता है उसी को पहले लेते हैं, ये कर्ण है तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब आते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इसमें लिखेंगे दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और एंगल ए है जो न्यून कोण है उसका मान कितना दिया, 60 डिग्री है। तब यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर कितना है, तो ये हो जाएगा साइन कोण कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी लिख देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हम लोग का, बी सी बटे में ए सी हो जाएगा। तो साइन 60 कोण कितना होता है, रूट अंडर 3/2 होता है,
अब देखिए बीसी का मान नहीं ज्ञात है तो हम लोग बीसी का मान छोड़ देंगे, और एसी का मान देखिए हमारे पास ज्ञात है कितना है तो 10 है, तो ये हमारा कट जाएगा देखिए 2 5 10, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा इसमें इससे गुना किया और इसमें इसमें गुना किया, तो ये उर्दू एक 2 2 5 10, तो बीसी में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, और ये करने का 5√10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग का बीसी का मान पहले भूजा ज्ञात होगा, जो बीसी क्या है हम लोग का लंब है, तो ये हो जाएगा 5 क्या है सेंटीमीटर हो जाएगा, लंब ज्ञात हो गया। अब बात करेंगे इसी प्रकार से, हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से, अब क्या हम लोग को बीसी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग चाहे एबी का मान तो कॉस के आधार पर निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण होता है तो इसके आधार पर निकाल सकते हैं, कॉस कितना 60° के एंगल से क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस 60° कितना हो जाएगा बी सी ए बी आधार दिया है ना और ए सी धीरे लिख देंगे ए सी, तो हो जाएगा कॉस 60° मान कितना होता है 1/2 होता है, और ये हो जाएगा ए बी, ए बी का मान हम लोग को नहीं पता है तो यहीं तो ज्ञात करना है, और ए सी का मान कितना है 10 है, तो हो जाएगा 2 5 10, तो हो जाएगा 5 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और बी में गुणा करेंगे 1 से तो ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5 5 1 5, तो ए बी का मान क्या होगा 5 होगा। तो देखिए ये तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, पहला हो गया 5√3 और बी का मान हो गया ए बी का मान कितना 5, या तो चाहे हम लोग इसको ए बी का मान ज्ञात करने के लिए या मैं देखिए कैसे 5 आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या है आधार का मान है, तो आधार बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है कितना कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो देखिए कर्ण का मान कितना है 10 माइनस लंब का मान कितना है 5√3 है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 25 3 75 के हो जाएगा √25, 25 का होता है 5, तो देखिए हम लोग क्या होगा आधार का मान क्या है ए बी है, तो ए बी वाला कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ बनाए ए बी वाला 5 और ये भी हो जाएगा 5, तो आप लोग चाहे जिस तरह से बनाए उसका आंसर उतना ही आएगा जितना दिया रहता है, तो आप लोग इसे चाहे तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ताकि आप लोग के अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़े, तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट करते चलिए समझते चलिए, तब तक चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है।